हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। तो बेसिकली आज अपन फिन से एक और सीरीज ले आए हैं टॉप 10 गेम्स के। सो वेल गाइस, ये सभी गेम्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये सभी गेम आपके लो एंड पीसी पे आराम से रन करेंगे एंड इन सभी का लिंक आपको, अगर आपको इन सभी गेम को डाउनलोड करना है तो लिंक विल मी डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट वेट 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 गाइज, मेरे को आपसे बस आपका एक मिनट चाहिए। सो वेल गाइज, एक चैनल है वाजी बीस्ट करके, इनका चैनल हैक हो चुका है। बेसिकली अब यार कुछ कैसे हैक हुआ ये मेरे को नहीं पता, बट इनका चैनल हैक हो चुका है। तो इनका एक और नया चैनल है वाजी बीस्ट 2.0 करके, बेसिकली एक लाइव स्ट्रीमर है, मतलब लाइव स्ट्रीम करते हैं वैलोरेंट पीसी गेम्स के ऊपर। तो प्लीज़ यार इनको सपोर्ट करो, जाओ इनको सब्सक्राइब करो, प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करो, इनको अभी सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गेम है, उसका नाम है बायोशॉक, एंड इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों बायोशॉक एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया है 2K बॉस्टन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था 2K गेम्स के द्वारा। सो वेल गाइस, जो बायोशॉक गेम है वो बायोशॉक सीरीज का सबसे पहला गेम है एंड बायोशॉक के बहुत सारे सीरीज है। बायोशॉक जो गेम है वो ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। बायोशॉक के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ, ये कैसा गेम है एंड इसका गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं स्टोरी लाइन आपको बता देना चाहता हूँ। एक जैक नाम का बंदा रहता है जिसका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है एक समुद्र के आसपास, एंड उस समुद्र के पास दोस्तों एक अंडर वाटर सिटी रहता है जिसका नाम रैप्चर रहता है। सिटी जो रहता है वो आपका पूरा आइसोलेटेड रहता है एंड वहाँ पर एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहता है, जैसे कि वहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट किया जाता है। अब यार बेसिकली मेरे को इतना ही पता है। एंड यहाँ पर आपको कुछ जॉम्बीज, मतलब एक म्यूटेट टाइप के आदमी लोग आते हैं एंड डील करना पड़ता है। यहाँ पर आपको मिशंस मिलते हैं एंड लास्ट में क्या होता है, आप सभी को मार धाड़ करके आपका जो गेम है वो कंप्लीट हो जाता है। गेम बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर खेलना, इसमें आपको अच्छे अच्छे वेपन्स मिलते हैं एंड गेम खेलो, एंजॉय करो। एंड जो दोस्तों जो गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लूँ दोस्तों, रैम की बात करूँ तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो मिनिमम 228 MB नीड है एंड प्रोसेसर की बात करूँ तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड स्पेस की बात करूँ दोस्तों, 8 GB के आसपास आपके PC या लैपटॉप पे स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। इस गेम को डाउनलोड करना है, लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। गेम है उसका नाम है मेट्रो लास्ट लाइट। एनिमल गाइस, ये भी बहुत ही ऑसम गेम है एंड आई होप कि इस गेम को भी आपने कभी ना कभी अपने PC या लैपटॉप पे खेला होगा। सो वेल गाइस, इस गेम का मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मेट्रो लास्ट लाइट एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसमें कि आपको सर्वाइव भी करना रहता है एंड यहाँ पर आपको कुछ हॉरर टाइप का भी आपको इसमें मिलता है, मतलब हॉरर टाइप भी एलिमेंट मिलता है। एंड वेल गाइस, इस गेम को डेवलप किया गया था क्रेडियम स्टूडियो 4A गेम्स के द्वारा, तो इसे पब्लिश किया गया था डीप सिल्वर के द्वारा एंड ऑलमोस्ट ही सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। इस गेम में आपको सर्वाइव करना रहता है, आपको कुछ मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड इस गेम का जो आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी ओपन वर्ल्ड जैसा आपको मिलता है। मतलब ये नहीं कि यार आप इधर उधर घूम फिर नहीं सकते, आप घूम सकते हो, बट दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही ऑसम है एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। दोस्तों रैम की बात करूँ तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो मिनिमम 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर मिनिमम आराम से चल जाएगा। अगर आपको इस गेम को भी डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा तीसरा गेम है उसका नाम है टॉम राइडर 2013 एंड दोस्तों टॉम राइडर की सीरीज के बारे में मेरे को कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वह एक ऐसे गेम होते हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैं गेम के बारे में थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों टॉम राइडर 2013 एक एक्शन एडवेंचर एक वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था क्रिस्टल डायनामिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा एंड दोस्तों बहुत ही ऑसम गेम है। यहाँ भी आपको ओपन वर्ल्ड गेम जैसा एक्सपीरियंस मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ मिशंस करने पड़ते हैं एंड आपको यहाँ पर सर्वाइव ग्राफिक्स है बहुत ही ऑसम है एंड इस गेम को जो रिलीज किया गया दोस्तों 5 मार्च 2013 को एंड गेम सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है एंड यहाँ पर जो इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो भी बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट आप अपने लो एंड पीसी पे इस गेम को प्ले कर सकते हो। दोस्तों रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर भी गेम आराम से चल जाएगा। इस गेम को डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। हमारा फोर्थ नंबर वाला गेम है उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 एंड दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी के सीरीज के बारे में क्या कहना, मतलब इसका हर एक सीरीज अपने आप में बहुत ही ऑसम गेम रहता है। सो वेल गाइस, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 है नवंबर 2009 को रिलीज किया गया था एंड ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग
वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था इन्फिनिटी वॉट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था एक्टिविजन के द्वारा। एंड बेसिकली इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर कैंपिंग करना रहता है एंड आपको यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। ये गेम सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करूँ तो मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यार आपके पास इंटेल पेंटियम 4 होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। स्पेस की बात करूँ तो 16GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। और अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ नंबर वाला गेम है उसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्सिया 4। एंड प्रिंस ऑफ पर्सिया 4 का क्या कहना, ऐसे तो प्रिंस ऑफ पर्सिया का सभी सीरीज बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, बट प्रिंस ऑफ पर्सिया 4 आपके लो एंड PC के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। तो मैं प्रिंस ऑफ पर्सिया के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ दोस्तों। प्रिंस ऑफ पर्सिया द सैंड ऑफ टाइम एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया 28 अक्टूबर 2003 को। एंड बेसिकली दोस्तों ये गेम सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है दोस्तों। बेसिकली आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड यहाँ पर आपको फाइटिंग सीन भी मिलता है एंड यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरियस सीन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास एक लो एंड PC है तो इस गेम को आप आराम से खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो यार डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इस गेम को अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सिक्स नंबर वाले गेम के ऊपर। हमारा सिक्स नंबर वाले गेम है उसका नाम है डेड इफेक्ट। एंड दोस्तों डेड इफेक्ट भी एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया था इन डेव ब्रेन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है दोस्तों बल्कि पिक्स के द्वारा। एंड ये दोस्तों बेसिकली आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है कि आप इसे एंड्रॉयड डिवाइस पे भी खेल सकते हैं, विंडोज पे भी खेल सकते हैं। तो यार ये गेम बेसिकली सिंगल प्लेयर है अभी के लिए। एंड अभी के लिए क्या बहुत पुराना है तो मेरे लगे बेसिकली आप इसमें सिंगल प्लेयर मोड खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर इसमें उपलब्ध नहीं है। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 12 सितंबर 2013 को। गेम बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बेसिकली आपको इसमें मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, पूरा आपको स्पेस टाइप यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको सर्वाइव करना रहता है एंड जॉम्बी को किल पर आपको किल करना रहता है। एंड उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट वो भी ज़्यादा नहीं। प्राइम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। एंड सुबह के पढ़ते हैं हमारे सेवंथ नंबर वाले गेम के ऊपर। सुबह के जो हमारा सेवंथ नंबर वाला गेम है उसका नाम है डेड स्पेस 2। एंड नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर आपको स्पेस में कुछ आपको मारा पीटी करना है। थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। डेड स्पेस टू एक आपका सर्वाइवल हॉरर गेम है जिसे डेवलप किया गया था विसल्स गेम के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड दोस्तों ये गेम सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। इस गेम को रिलीज किया गया था 25 जनवरी 2011 को। आपको करना क्या रहता है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। बेसिकली आप स्पेस में आते हो एंड स्पेस में आने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो एलियंस को माना रहता है या आप बोल सकते हो या जॉम्बीज या एलियंस जो भी आप इन्हें माना रहता है। गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही कम है। रैम की बात करो तो मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों स्पेस की बात करो तो मिनिमम 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे 8 नंबर गेम के ऊपर। 8 नंबर वाले गेम है उसका नाम है लेफ्ट 4 डेड। एंड दोस्तों लेफ्ट 4 डेड एक जॉम्बी किलिंग गेम है। फॉर डेड के बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। लेफ्ट 4 डेड दोस्तों एक मल्टीप्लेयर सर्वाइवर हॉरर गेम है जिसे डेवलप किया गया है वेल्विसॉफ्ट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है वेल्वे के द्वारा। एंड दोस्तों ये गेम रिलीज किया गया था 17 नवंबर 2008 को। सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध दोस्तों, एंड्रॉइड एक्सबॉक्स विंडोज। क्या रहता है, यहाँ पर आपको सर्वाइव करना रहता है एंड यहाँ पर आपको जॉम्बीज को माना रहता है एंड आफ्टर दैट आपका जो मिशन कंप्लीट हो जाता है। एंड दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही कम है। मतलब यार गेम का ग्राफिक्स के साथ देखा जाए तो यार सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। स्पेस रैम की बात करो तो मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो 1.5GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपकी PC या लैपटॉप पे। तो बेसिकली ये गेम अगर आप खेलना चाहते हैं तो लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जो हमारा 9th नंबर वाला गेम है उसका नाम है स्टार ट्रेक ऑनलाइन। एंड दोस्तों इस गेम का क्या कहना, दोस्तों ये गेम स्टार वॉरियर्स जैसा गेम है। ट्रिक ऑनलाइन एक मल्टीप्लेयर गेम है एंड इसे आप ऑनलाइन रोल प्ले गेम भी बोल सकते हो जिसे डेवलप किया गया क्रिएटिव स्टूडियो के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया था 2 फरवरी 2010 को। बेसिकली दोस्तों ये गेम आपका स्पेस में आपका पूरा सेटअप है एंड इस गेम में बेसिकली आपको मिशंस पार करना रहता है एंड एलियंस को मारना रहता है। इस गेम का ग्राफिक्स भी बहुत ही ओपी है। आपके लो एंड PC में गेम आराम से चलेगा, मक्खन जैसा चलेगा। ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप PC में भी खेल सकते हो, एक्सबॉक्स में भी खेल सकते हो एंड मैक OS में भी खेल सकते हो।
इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों बहुत ही कम है। दोस्तों रैम की बात को तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात को तो मिनिमम 256 MB होना चाहिए, एंड प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा, एंड दोस्तों स्पेस की बात तो 8 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। एंड वेल गाइस, अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो लिंक विद इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे आखिरी 10th नंबर वाले गेम के ऊपर। सो वेल गाइस, जो हमारा आखिरी गेम है, जो हमारा 10th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है सुपर हॉट। एंड दोस्तों सुपर हॉट के साथ ये गेम गर्म नहीं है दोस्तों। सो वेल गाइस, सुपर हॉट एक इंडिपेंडेंट फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया था सुपर हॉट टीम के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया 25th फरवरी 2016 को। गेम आपको ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए, आप इसे तो इस गेम का क्या कहना। बेसिकली आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर मिलता है एंड यहाँ पर आपको कुछ एनिमीज को शूट करना रहता है। एंड बेसिकली इसका जो स्लो मोशन शूटिंग रेयर मूवमेंट रहता है वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो बेसिकली यही है इसमें, जैसे ही आप एनिमीज को शूट करोगे तो यहाँ पर आपका एक लेवल अप होते रहेगा। एंड बेसिकली इसी बेसिस पे गेम है, तो सिंपली आपको बीच में मिशंस कंप्लीट करना रहता है। सो इसका भी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही कम है, एंड इसका जो मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। एंड दोस्तों इस गेम को भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, यही कुछ 10 गेम थे आपके लो एंड पीसी के लिए। आई होप दोस्तों कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा, एंड इन 10ों में से आपका कौन सा फेवरेट गेम है या आपको कौन सा गेम पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड ऐसी और वीडियोज आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। फ्री पीसी गेम्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट पे विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।